गर्ल वन, बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। पहले वीडियो में हमने जाना कि संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ। हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे सोर्सेस थे जिनसे हमने अपने संविधान में बहुत सारे तत्व ग्रहण किए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से स्रोत थे। भारतीय संविधान के स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935। हम सभी जानते हैं भारत ब्रिटिश का गुलाम था और भारत 200 सालों तक ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया, तो भारत पर ज्यादातर प्रभाव ब्रिटिश का पड़ा, इसीलिए ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935, इससे हमने बहुत कुछ अपने संविधान में लिया है। हमारे भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से 250 अनुच्छेद हमने 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था। भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ये व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। कैग का जो पद है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है, उसको हमने वहां से ग्रहण किया। लोक सेवा आयोग, भारत में विभिन्न लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है, जिसके द्वारा विभिन्न लोक सेवा सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है और महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। तो इस तरीके से अपने भारतीय संविधान का जो एक बड़ा हिस्सा है वो हमने भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे ग्रहण किया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया। चूंकि हम ब्रिटेन से प्रभावित थे और उनकी जो शासन व्यवस्था थी उससे परिचित थे और वही व्यवस्था हमने अपने यहाँ ग्रहण की, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप आप देखते हैं वो हमने ग्रहण किया ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ मत में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वो विशेषाधिकार का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन, विधि कानून का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता, हम सभी जानते हैं कि हम भारत के नागरिक सिर्फ भारतीय हैं, हमारे पास एक ही नागरिकता है। हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जैसे भारत में टोटल आप जानते हैं 28 राज्य हैं, लेकिन सभी लोगों को नागरिकता राज्य और केंद्र की नहीं मिली हुई है, बल्कि सभी भारतीय हैं। तो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया। जैसे कि इसको और क्लियर करें, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात होती है, लेकिन हम भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता की बात होती है, हम सभी भारतीय हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्था, तो संसदीय शासन जहां होगा वहां मंत्रिमंडल व्यवस्था होगी। संसद के द्वारा मंत्रिमंडल की निर्माण किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री होगा प्रमुख उसका और उसके सहायता देने वाले अन्य मंत्री होंगे, जिससे मंत्रिमंडल व्यवस्था कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब बात करते हैं हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, मूल अधिकार। जैसे हमारे भारतीयों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो मौलिक अधिकार की जो बात कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया। ये वो शक्ति है न्यायालय की जो कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को फिर से एक रिव्यू कर सकती है, उस पर पुनः विचार कर सकती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो न्यायालय की शक्ति है वो भी हमने अमेरिका से ली। संविधान की सर्वोच्चता, बात आती है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सर्वोच्च है। कोई भी मंत्रिमंडल आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन वो जो भी नियम बनाएगी, जो भी विधेयक लाएगी, जो भी कानून बनाती है वो संविधान के अनुसार होने चाहिए, उनमें संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करती है जिसमें संविधान को किसी भी कानून को
उल्लंघन हो रहा है तो वो बैलेट नहीं होगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, उस पर पुनः विचार न्यायालय करेगा। इसलिए हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है, संविधान सबसे प्रमुख है और वो सर्वोच्च है, उसी के अनुसार कोई भी नीति कोई भी कानून बनाया जाएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, ये प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ली। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर या कोई भी उच्च अधिकारी जो है उन पर महाभियोग का प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है, महाभियोग लगाया जाता है, वो भी हमने अमेरिका से लिया। कनाडा, अब बात करते हैं कनाडा से हमने क्या लिया। संघात्मक व्यवस्था, हम भारत में एक संघ की व्यवस्था, संघात्मक देश है भारत, भारत यूनियन है, कई सारे राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण हुआ है और जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र के बीच संघात्मक है, चूंकि राज्य और केंद्र दोनों का मिलकर एक स्वरूप है तो उन दोनों में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी, हम जानते हैं कि कोई भी संघ का निर्माण, संघ की बात होती है तो राज्य और केंद्र उनमें अपनी अपनी शक्तियां हैं, उनका विभाजन हुआ है, लेकिन कुछ अगर शक्तियां ऐसी हैं जो न केंद्र सूची में है न राज्य सूची में, तो वो कहां जाएंगी, वो अवशिष्ट शक्तियां होती है, बची हुई शक्तियां, और वो केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। बात करते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य है वे निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो गाइडलाइन है जो किसी भी राज्यों को दी जाती है कि राज्य अपनी जो भी नीतियां बनाए वो इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाए, राज्य किस तरीके से कार्य करेगा, राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर संसद बनती है और राष्ट्रपति में प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें ये तीन चीजें प्रमुख थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, सभी नागरिक समान है, सबको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी भाईचारा, बंधुत्व की बात की गई थी और ये फेमस हुआ और ये तीनों चीजें हमने अपने संविधान में सम्मिलित की और वो हमने फ्रांस से ली है। बात करते हैं गणतंत्र, तो गणतंत्र जो व्यवस्था है वो क्या है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंश परंपरा पर आधारित नहीं होगा। तो हमारा जो जिस तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है और वो कोई भी वंश परंपरा पर आधारित नहीं होता है, तो इसे कहते हैं गणतंत्र और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया फ्रांस से। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची। तो हमारे यहाँ तीन प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची या केंद्र सूची जो थी वो हमारे यहाँ पहले से सिस्टम में चली आ रही थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया जब अपना संविधान बनाया। संयुक्त अधिवेशन, हम सभी जानते हैं कि संसद में अधिवेशन होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग, लेकिन अगर कोई कानून जिस पर राज्यसभा और लोकसभा सहमत नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति उस पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और वो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित होते हैं और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो जिस ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हमने लिया आपातकालीन उपबंध में मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो आपातकालीन, जब आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अगर कर देता है किसी भी राज्य में या देश में, तो उस समय क्या होता है कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने मौलिक संविधान बनाते समय उसमें लिए थे।
लास्ट में हमने एक पॉइंट ऐड किया है रूस, जिसमें मौलिक कर्तव्य है। सभी नागरिकों के कुछ कर्तव्य निश्चित हैं और जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, वो हमने अपने मौलिक संविधान में नहीं ऐड किए थे, बल्कि वो हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अब यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान अपने आप में विस्तृत है और उसके कई बहुत सारे प्रमुख स्रोत थे जो हमने यहाँ अध्ययन किया। इन सबके बावजूद कुछ लोग भारतीय संविधान की ये कहकर आलोचना करते हैं कि ये उधार का झोला है या ये भानुमति का पिटारा है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है बल्कि दूसरों से उधार ली गई चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को गौर से देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने दूसरे देशों से ग्रहण जरूर किया है, लेकिन उसे अपने देश की जनसंख्या, अपनी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित रूप उसका अपने संविधान में सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत। धन्यवाद।